अगर मैं आहिस्ता बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको जो इतना तेज़ तेज़ सिखा रहा हूं, मैं अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो कर लूं तो कैसा लगेगा आपको? आपको लगे शायद पता नहीं मैं पागल हो गया हूं या मेरे दिमाग को कुछ हो गया, लेकिन आपको ये समझाने और बताने का मकसद ये है कि आप समझ सकें कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फास्टर कम्युनिकेशन। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं अजीब सा स्लो सा हैक कर रहा था, आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है अगर वो स्लो होगी तो लोग उसको पढ़ने में उनको मुश्किल होगी, उसको देखने में उनको मुश्किल होगी, और अगर आपके यूज़र्स को आपकी साइट देखने और पढ़ने में मुश्किल होगी तो आप यूज़र्स को लूज़ आउट कर जाएंगे। आपने याद रखना है कि वर्डप्रेस इज़ अ CMS, इट्स अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारा कॉन्टेंट है आपकी साइट पर, बहुत सारे लोग उस कंटेंट को देखने के लिए आना चाह रहे हैं और आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट एक कोर्स हो सकता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट एक ई कॉमर्स स्टोर हो सकता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट कुछ और हो। आना यूजर्स नहीं है, एंड यूजर्स डिमांड स्पीड। यूज़र्स स्पीड में आपकी वेबसाइट पर आके देखना चाहते हैं, कॉन्टेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं और राइट एक्शन लेना चाहते हैं। So what does a content management system has? A content management system has users, and users like speed. Users like the need for speed. अगर आपने वो movie भी देखी है need for speed, so आपको idea होगा कि speed हमारी जिंदगी में कितनी ज़रूरत है उसकी और क्यों ज़रूरी है। Speed is one of the most crucial factors for SEO too. भाई search engine optimization के लिए भी speed बहुत ज़रूरी है। सो स्पीड का होना आपकी वेबसाइट पे इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स। गूगल विल नाउ ऑल्सो चेक हाउ फास्ट योर साइट इज़ ऑन मोबाइल। और अगर आपकी साइट इतनी ज़्यादा स्पीड में तेज़ नहीं है तो आपकी साइट को पिनलाइज कर दिया जाएगा। इफ़ योर साइट इज़ स्लो यू विल लूज आउट अ लॉट ऑफ मनी। आप पैसे इसलिए लूज आउट करेंगे बिकॉज यू लूज आउट ऑन यूज़र्स, and because you lose out on users you will lose out on money. to aapne dekhna hai ki aapki site ki speed kyun zaruri hai and why it is important for your site to be very very speedy. bahut sare plugins hai wahan pe bahar jo jinko aap use karke kar sakte hain, plugins which can help you make your site सुपर स्पीडी। कौन से प्लगइन्स हैं हम आपको बताएंगे, बट इन प्लगइन्स को कहते क्या हैं दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। दीज प्लगइन्स आर कॉल्ड कैशिंग प्लगइन्स। कैशिंग प्लगइन्स क्या होते हैं? व्हाट इज वर्डप्रेस कैश? एवरी टाइम यू एक्सेस अ वर्डप्रेस पेज और पोस्ट इट रन्स अ क्वेरी। ये उसी तरह जिस तरह मैं आपको कहूँ कि आप अपना नाम बताएं तो लेट से आपको बार बार सोचना पड़े और आपको अपने ब्रेन को पूछना पड़े कि मेरा नाम क्या है। और अगर मैं आपसे 100 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछूं तो ऑब्वियसली आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपका ब्रेन क्या करता है? योर ब्रेन क्रिएट्स अ कैशे। जब भी आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो कैशे उसका जवाब देती है कि योर नेम इज़, जिस तरह माय नेम इज़ साद, सो माय ब्रेन डज नॉट हैव टू प्रोसेस दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बिकॉज क्वेरीज पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन योर ब्रेन। इसी तरह वर्डप्रेस का जो ब्रेन है वो है इसकी डेटाबेस। तो आपकी डेटाबेस पे इतना ज़्यादा लोड ना क्रिएट हो, इसीलिए योर साइट यूजेस अ मैकेनिज्म विच इज़ कॉल्ड अ कैशे। वर्डप्रेस यूजेस कैशे टू मेक द साइट लोड फास्टर, और उसके लिए हम कैशिंग प्लगइन्स यूज करते हैं। सो ये कैशिंग प्लगइन्स क्या है? जिस तरह हमारे पास W3 टोटल कैश है, ये एक प्लगइन है। दिस प्लगइन जनरेट्स HTML फाइल्स फॉर योर डायनामिक वर्डप्रेस ब्लॉग। After a HTML file is generated, your web server will serve the file instead of processing it. और इसी तरह it makes your site load faster. और भी कुछ plugins हैं जिसमें fast cache एक नाम है,
साथ ही साथ कॉमेट कैश एक नाम है और डब्ल्यू पी सुपर कैश एक नाम है। तो हम इन प्लगइन्स को ट्राई करेंगे और हम देखेंगे कि कैशे से कैसे आपकी साइट फास्ट लोड हो सके। अच्छा, मैंने आपको जिस तरह बताया कि स्पीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर SEO, इसी तरह अगर आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड को तेज़ करना है तो यू विल यूज़ समथिंग कॉल्ड वर्डप्रेस कैशिंग प्लगइन्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड, तो आए गूगल पे जाते हैं और देखते हैं कि स्पीड एग्जैक्टली होती क्या है। सो लेट्स सर्च फॉर द लेटेस्ट आईफोन। मैं आपके सामने लेटेस्ट आईफोन की प्राइस को सर्च करूंगा और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स हैं जो उससे रिलेटेड आ जाएंगे, और मैं जब इनको खोलूंगा तो आप देखेंगे कि साइट एकदम से बड़ी जल्दी से खुल जाती है। सो दिस इज़ द स्पीड दैट वी आर लुकिंग फॉर। और इसके अलावा हम कुछ और सर्च करते हैं, लेट्स लुक फॉर द लेटेस्ट आईपैड। एंड यहां पे भी जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स हैं, एंड दो सर्च रिजल्ट्स लोड अप विद अ लॉट ऑफ स्पीड। जिस तरह मैं विकिपीडिया खोलूंगा तो एकदम से विकिपीडिया खुल जाएगा। सो आई वॉन्ट टू एड द स्पीड टू माई वेबसाइट, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू प्लगइन्स एंड आई विल इंस्टॉल अ कैशिंग प्लगइन। कैशिंग प्लगइन को मैं इंस्टॉल करूंगा तो मैं यहां पे देख सकता हूं मेरे पास लाइट स्पीड कैश प्लगइन भी है, मेरे पास डब्ल्यू पी सुपर कैश भी है, मेरे पास ऑटो ऑप्टिमाइज भी है, आई हैव W3 टोटल कैश, आई हैव WP फास्टेस्ट कैश, आई हैव हमिंग बेड्स पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन एज वेल। ये डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ प्लगइन्स हैं। डिफरेंट प्लगइन्स एक्ट इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट प्लगइन्स हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो फॉर एग्जांपल WP सुपर कैश विच इज एक्चुअली मेड बाय ऑटोमेटिक द साइट द कंपनी which actually runs WordPress. It has more than a million active installations and it was updated 3 months ago. तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये मेरी साइट पे कैसे मेरी साइट को स्पीड अप करेगा। आई क्लिक ऑन एक्टिवेट। प्लगइन जैसे ही एक्टिवेट हो गया है तो वो मुझे दिखा रहा है एक वार्निंग, सो आई हैव टू चेक, आई हैव टू डिसमिस दिस। आई कैन गो टू सेटिंग्स WP सुपर कैशे एंड वहाँ पे मैं इसकी सेटिंग्स को अपडेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। आई कैन इनेबल कैशिंग और नॉट, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैशिंग इनेबल करनी है नहीं करनी, बट इनेबलिंग कैशिंग हेल्प्स यू स्पीड अप योर वेबसाइट। आप एडवांस सेटिंग पे भी जा सकते हैं, कॉन्टेंट्स पे जा सकते हैं, प्री लोड पे जा सकते हैं, प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट दे सकते हैं। कैशिंग इज समथिंग आई हाईली रिकमेंड। देखें कि कैशिंग को यूज़ करके कैसे आप अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।